नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ऋचा वाष्णे संभव नेचर क्योर हॉस्पिटल लखनऊ से। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिक एसिड। जी हाँ, जब कभी ब्लड में यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तो जोड़ जोड़ दर्द करने लगते हैं। एक्यूपेशन थेरेपी में बहुत अच्छा पॉइंट है बढ़े हुए यूरिक एसिड लेवल को कम करने का। ये पॉइंट हमारे हाथों में है, आइए देखते हैं वो पॉइंट कहाँ पर है। आएंगे इनसाइड यानी कि आगे की तरफ, बाइलेटरल है ये पॉइंट यानी कि दोनों ही हाथों में है। मिडल फिंगर, अपर जॉइंट से देखिए ऊपर की तरफ टुवर्ड्स थंब, ये पॉइंट है अंगूठे की तरफ, स्मॉल फिंगर की तरफ नहीं, ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है लीवर टू। यहां हम करेंगे सडेशन। हमें लेना होगा पेपर टेप और ब्योल मैग्नेट। ये पैकेट है ब्योल मैग्नेट का, जिसके अंदर 10 ब्योल मैग्नेट्स हैं। लूज में ये ऐसे दिखते हैं, एक तरफ येलो और एक तरफ व्हाइट। एक तरफ इसका साउथ पोल है और एक तरफ इसका नॉर्थ पोल है। हमें यहाँ पर करना होगा लीवर टू का सडेशन। अब सडेशन करने के लिए देखिए, लेंगे हम पेपर टेप, यहाँ लगाएंगे हम मैग्नेट्स। मेथी नहीं लेना है क्योंकि हमें सडेशन करना होगा इसके लिए। अक्सर मैं मेथी दाना बता देती थी, लेकिन चूंकि अब हमें पॉइंट का सडेशन करना होगा इसलिए हमें ब्योल मैग्नेट ही लेना पड़ेगा। इसको देखिए लगाने का तरीका, जो येलो वाला भाग है ये हमारा चिपक जाएगा पेपर टेप से, हमें बाहर से येलो दिखाई देगा और जो स्किन को टच करेगा वो इसका वाइट वाला भाग होगा। तो जो भी मैंने पॉइंट बताया लीवर टू, हमें इसी के ऊपर ये ब्योल मैग्नेट को चिपका लेना है। बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हैं इसको, क्योंकि पॉइंट हमारा बाइलेटरल है तो दोनों ही तरफ हमें इस मैग्नेट को लगाना है। दूसरा साथियों, कभी कभी होम्योस्टेसिस में गड़बड़ी आ जाती है जिसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो कभी ऐसा हो कि होम्योस्टेसिस की गड़बड़ी की वजह से ब्लड में यूरिक एसिड लेवल बढ़ गया, तब उसका दूसरा पॉइंट है। आइए देखते हैं वो पॉइंट कहाँ पर है। ये पॉइंट भी हमारे हाथों में ही है। आएंगे यिन साइड नहीं, यांग साइड, इंडेक्स फिंगर में मिडल जॉइंट, और मिडल जॉइंट के बिल्कुल सेंटर पे देखिए, मिडल जॉइंट के बिल्कुल सेंटर पे टुवर्ड्स थंब ये पॉइंट है, एकदम किनारे बाइलेटरल है ये पॉइंट यानी कि दोनों ही तरफ है। हमें इस पॉइंट का भी सडेशन करना होगा, जैसे हमने लीवर टू का सडेशन किया था। फिर से हम लेंगे ब्योल मैग्नेट, जो स्किन को टच करेगा वो इसका वाइट वाला भाग होगा, जो हमें बाहर से दिखाई देगा वो इसका येलो वाला भाग होगा। ये ट्रीटमेंट आपको कई दिनों तक करना होगा, कई महीनों तक करना होगा। आप 6 से 8 घंटा रात में इसको कर सकते हैं, करके सो जाइए, कोई बुराई नहीं है। दिन में तो बहुत काम करना होता है तो लोगों को लगता है कि मैम हम पानी में हाथ कैसे दें, क्या करें, तो आप रात में सो जाइए, आपका सोते सोते आपका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तब आप पेपर टेप को हटा दीजिए, क्योंकि पेपर टेप गंदा हो चुका होगा, और इन मैग्नेट्स को निकाल लीजिए। मैग्नेट्स को निकालने के बाद में सबको आपस में जोड़कर रख लीजिए। ये चारों के चारों मैग्नेट्स आपस में जुड़कर एक दूसरे को चार्ज कर देंगे, फिर अगले दिन ये फिर से तैयार है ट्रीटमेंट के लिए। मैग्नेट्स कभी भी एक्सपायरी नहीं होते हैं, छोटे हैं, खो जाते हैं, लेकिन कभी भी एक्सपायरी नहीं होते हैं, इसका ख्याल रखना है हमें। बहुत ईजी है, कर पाएंगे आप दोनों ही कर लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि होम्योस्टेसिस की गड़बड़ी की वजह से यूरिक एसिड बढ़ गया है या कोई और कारण है। आप चाहें तो दोनों पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इजी है, कर पाएंगे आप लोग। तो साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये चिकित्सा पद्धति बहुत सरल है, सहज है, इसे कोई भी सीख सकता है। यदि आपका भी मन है इस चिकित्सा पद्धति को सीखने का, तो नीचे ईमेल में जो एड्रेस है आप हमें उसमें मेल कर सकते हैं सीखने के लिए। बाकी नीचे कमेंट है, कमेंट बॉक्स में भी जाकर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप एक्यूपेशन थेरेपी से जानना चाहते हैं, आप उसको भी लिख सकते हैं। ज़रूर उस टॉपिक पे भी वीडियो मैं बना दूंगी। और जनहित में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपकी वजह से हो सकता है किसी की भी मदद हो जाए। थैंक यू।